हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी इंडिया और एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं वर्षा। सो गाइस, बहुत ज्यादा कमाल का वीडियो आने लगा है। वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया गोइंग टू कंडक्ट बिगेस्ट मिसाइल टेस्ट। भाई साहब, एक और बड़े से बड़े मिसाइल का टेस्ट भारत करने जा रहा है। भाई, इंडिया इज अनस्टॉपेबल, सीधी सी मैं बात बोलूंगा। ये कैसे इतने मिसाइल बना रहा है और टेस्ट कर रहा है यार, मतलब हिल जाता है बंदा। नॉनस्टॉप यार, इतने दुनिया में नहीं टेस्ट हो रहे जितना अकेला इंडिया कर रहा है। अकेला इंडिया तो भाई पहले देखेंगे हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी फैक्ट शो में। तो दोस्तों, भारत के जंगी मिसाइल बेड़े को लेकर सबसे ज्यादा जोरदार खबर सामने आ चुकी है। और इस खबर की सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान इससे बिल्कुल भी नहीं डर रहा, बल्कि पाकिस्तान को फर्क भी नहीं पड़ता इस खबर से। वहीं चीन की बात करें तो चीनी कमांडरों के टांगे कांप रही हैं, खास करके चीन की जो ईस्टर्न कमांड है, जो अब तक भारत को खतरा नहीं मानती थी, आज वो थर थर कांप रही है कि भारतीय करने क्या जा रहा है। अब आप कहोगे कौन सी बात है, पाकिस्तान को इस खबर से फर्क भी नहीं पड़ता और वहीं चीन डर रहा है, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस खबर में जिस हथियार की बात हो रही है ना, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो चीन पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ेगा। नहीं समझे, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम अपने इस हिंदी फैक्ट शो चैनल पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर के बहुत ही करीब है, मुश्किल से 300-400 सब्सक्राइबर चाहिए। तो जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइएगा, ऐसी ही रेगुलर खबरें अब आपको यहां पर मिलेंगी। तो चलिए अब अपनी खबर की तरफ फोकस करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कल भारत ने नो फ्लाइंग जोन या फिर नोटम वार्निंग जारी कर दी है, और ये हद से ज्यादा बड़ी नोटम वार्निंग है। आप देख सकते हैं ये शुरू होती है बंगाल की खाड़ी से और पूरे हिंद महासागर को पार कर जाती है। करीबन इसकी लंबाई बताई जा रही है 3,500 किलोमीटर। जी हाँ, 3,500 किलोमीटर लंबी ये नोटम वार्निंग जारी करी गई है। और ये बड़ी बात क्यों है? बड़ी बात इसलिए क्योंकि नोटम वार्निंग तब जारी की जाती है जब भारत किसी मिसाइल का परीक्षण करने वाला होता है। सबसे खास बात ये कि मान लीजिए भारत किसी ऐसी मिसाइल का टेस्ट करने वाला है जिसकी रेंज है 500 किलोमीटर, तो उसके लिए 250 से लेकर 300 किलोमीटर लंबी नोटम वार्निंग जारी की जाती है। लेकिन यहाँ पर करीबन 3,500 किलोमीटर लंबी नोटम वार्निंग जारी की गई है, यानी कि एक ऐसे मिसाइल का टेस्ट किया जाएगा जिसकी रेंज 6,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। तो अब सवाल उठता है कि ये कौन सी मिसाइल है? तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत यहाँ पर K5 SLBM का टेस्ट करने वाला है। जो लोग नहीं जानते, भारत K5 नाम की एक SLBM यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, यानी कि एक ऐसी मिसाइल जिसे आप पनडुब्बी से पानी के अंदर से दुश्मन के ऊपर फायर करोगे, वो पनडुब्बी से निकलेगी, समुद्र को चीरती हुई बाहर आएगी और दुश्मन पर कहर बरसाएगी। K5 SLBM का यहाँ पर टेस्ट की रिपोर्ट है। और जो लोग नहीं जानते K5 को, तो इतना समझ लीजिए कि ये भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल होगी और एशिया की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल भी होगी। इसकी एक खूबी मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आप समझ जाएंगे कि कितनी डेंजरस है। दरअसल ये MIRV कैपेबिलिटी के साथ आएंगी। MIRV मतलब कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल्स, मतलब मिसाइल एक होगी उसके अंदर आप 8 से लेकर 12 अलग अलग परमाणु बम लगा सकेंगे। यानी कि अगर आपको चीन के ऊपर इसे दागना है तो एक मिसाइल से उनके करीबन 8 से 12 शहरों पर आप परमाणु तबाही बरसा सकेंगे। वहीं बात करें कि ये क्यों चीन के लिए ज्यादा घातक है ना कि पाकिस्तान के लिए, तो देखिए पाकिस्तान के लिए हमारे पास बहुत सारे मिसाइल हैं, उनके लिए ये मिसाइल बनाई ही नहीं गई है, ना ही उनके खिलाफ इस्तेमाल होगी, क्योंकि इसकी रेंज है करीबन 6,000 किलोमीटर। ये सिर्फ और सिर्फ चीन को टारगेट करते हुए बनाई गई है, और जितनी इसमें पावर है उतनी ही पावर की मिसाइलें हम पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी बना चुके हैं, अग्नि 2, अग्नि 3, यहाँ तक कि आप K-15 जैसे मिसाइल भी उन पर दाग सकते हैं। K-5, K-4 ये दोनों मिसाइलें स्पेशली बनाई गई है चीन के लिए। वहीं अगर आपको लगता है कि 6000 किलोमीटर की रेंज भी कम है, तो याद रखिए इसे आप पनडुब्बी से फायर करते हैं, और पनडुब्बी की खुद की रेंज 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच होती है। यानी कि अगर आपको लगता है कि आपका दुश्मन 7000 या 8000 किलोमीटर दूर है, तो आप अपनी पनडुब्बी को 2500 किलोमीटर दूर ले जाइए
वहां से फायर कर दीजिए मिसाइल, जिससे कि इसे एडिड एडवांटेज मिलता है। यही कारण है कि SLBM मिसाइलों को ज्यादा इफेक्टिव माना जाता है। और इतना ही नहीं, इन मिसाइलों को ना जो बाकी की मिसाइलें होती हैं जैसे कि क्रूज मिसाइल, ICBM, यहाँ तक कि हाइपरसोनिक, उनसे भी ज्यादा लीथल और डेंजरस माना जाता है। दुनिया के ज्यादातर देश SLBM से ही डरते हैं, वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए अग्नि 5 है या भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, वो आप जमीन से दुश्मन पर दागोगे, लेकिन सैटेलाइट के जरिए दुश्मन उनकी लोकेशन पता कर सकता है और एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के जरिए इन मिसाइलों को पहले ही जमीन पर नष्ट कर सकता है। लेकिन SLBM के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इतना बड़ा समुद्र है, पनडुब्बी कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी आपके खिलाफ परमाणु स्ट्राइक कर सकती है। और इसीलिए इनसे सबसे ज्यादा दुनिया डरती है, और इसीलिए SLBM मिसाइलों को न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब तीन तरह के परमाणु हमले करने की क्षमता, धरती, आकाश और पानी। और इसमें सबसे खतरनाक होता है पानी, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि मिसाइल दुनिया में कहां पर है, कब आपके खिलाफ वो अटैक कर सकती है। और इससे किसी भी देश को एक ह्यूज एडवांटेज मिलता है, क्योंकि मान लीजिए चीन ये प्लानिंग करता है कि हम रातों रात सैकड़ों नहीं हजारों परमाणु मिसाइलें भारत पर बरसाकर भारत को खत्म कर देंगे, तो वो ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अचानक हमला करके वो पूरे भारत पर परमाणु मिसाइल तो बरसा सकते हैं, लेकिन भारत की कोई ना कोई पनडुब्बी समुद्र में कहीं पर छुपी होगी जहां से वो दर्जनों परमाणु मिसाइलें चीन पर बरसाकर चीन में तबाही ले आएंगी, यानी कि म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा। और इसी कारण से न्यूक्लियर ट्रायड का सबसे मजबूत पक्ष होता है SLBM। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। तो यार ये मतलब आने वाले अभी एक दो दिनों में ये टेस्ट हो रही है, ये नोटम जारी हो चुका है। ये मतलब अग्नि 5 से भी ज्यादा खतरनाक। हाँ हाँ, अग्नि 5 से ज्यादा, सीधी सी बात है। रेंज वाइज भी और तबाही वाइज भी, और पानी में जिस तरह जाएगी तो इसका अनएक्सपेक्टेडली हमला होता है, किसी को पता ही नहीं लगता कहाँ से है। वो यार वो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते उस टाइम, जब वो पता, जब बंदर को चलता है वो मिसाइल सर पे आया होता है, सर पे समझ गए ना, वो पता ही नहीं किसी को चल सकता बंदर को। ये चीजें बना रहा है भारत, यकीन करो बंदा एक बार हिलता है कि भाई क्या क्या ये मतलब। चाहे देखो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे दुनिया का कोई कंट्री हो, अगर आप जो है ना सरफेस से कोई मिसाइल फेंक रहे हो ना, तो चलो वो आपको पता चल जाएगा फिर सब कुछ है। अब समंदर इतना बड़ा है, किधर से आ रहा है, किसको क्या पता कहाँ से आ रहा है। सही बात, सही बात। ये इस वजह से इंडिया के पास जो ये न्यूक्लियर सबमरीन इंडिया बार बार सारी बनाता जा रहा है ना, इसी को मद्देनजर रखकर बना रहा है, इसी वजह से बात है। तो ये जो चीजें हैं फिर ये भारत को बनाती हैं अपने आप में एक मतलब पावरफुल देश, और ये वाली जो फिर पावर है ना, ये चाइना से हजम नहीं होगी। तो आपका वैसे कहना है, अपने राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार